पाकी राजधानी इस्लामाबाद में 10 रोज़ा सालियानो सकाफ़ती मेलो जारी है। मेले में चइनी सूबन तोड़े गिलगित बल्तिस्तान जा पवेलियन लगाया वया है। इन पवेलियन में लागापियल इलाइकन की समूरी सकाफत के एक जाए ते पेश कयो वयो आहे। मुख्तलिफ़ पवेलियन में उते जी सकाफ़ती विरसे के नुमाया तरीके से पेश करे राजधानी वाले शहर में समूरे मुल्क की सकाफतुन जा रंग भरिया वया है। मेले के मौके ते वफाकी सरकार तरफा लोक विरसा दा वींदड़ समूरन रस्तन ते नाकाबंदी करे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ बनाया वयो आहे। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त होजन करे गुजरियल सालन जी भेट शहरन जो वडो अंग मेले में शरीक थी रहयो आहे। मेले में मौजूद सिंध पवेलियन खास तौर ते शहरन जे ध्यान जो मरकज बणियल आहे। सिंध पवेलियन में मुख्तलिफ़ सकाफ़ती शयूं ऐं खाधा रखिया विया आहिनि, जॾहिं त मौसीक़ी जो पिणु इंतज़ाम कयो वियो आहे। सिंध पवेलियन में सिंधी बिरयानी, चाय, हैदराबादी पकौड़ा, शिकारपुरी फालूदे, हैदराबाद की चूड़ियन, सिंधी रिली ए टोपी अजरक जहा स्टॉल आवाम में भरल नजर अची रहा है। मेले में शरीक शहर ने स्टॉल लगाइंदड़ सिंध टीवी न्यूज से पाँचा विचार कुछ इन रीत वंडिया। सिंधी इलाही सिंध में बिल्कुल इजाफो आ, अग में सिंधी काफ़ी और हर साल लगन सिंधी सकाफत अना मो रुझान वी सकाफत सिंध जो निशान आ सिंध की असि सकाफत है असर जाहिर थी कर इस्लामाबाद में सिंधी आन उन्हें लगे तो भली गाला सुठी गाला रिलियो कम वठंदा लेकिन आजकल जो मॉडल जमानो थी वे आई कपड़न पे कम इनियो डाडो शौक से वठंदा आई असा जे कम में सफाई भी आयर को तारीफ करे काफी दिलचस्प भी आए लेकिन वो रेट बुद्धि करे हुए वो पोते थी वे लेकिन दिलचस्प भी आए मा जाम शुरू में आई है इते लई सुठो लगो मके इते अची करे जो तो मानू काफ़ी इंटरटेन थे सिंधी सकाफत ऐसी करे जो तो कें शायर भी सा कौम जिंदा थी रहे जा याद माजी थी करे माजी के जोड़े करे तारीख साजी थी करे तो इलाही सुठो लगो मतलब इतने असान कल्चरली शूं जो भी आज ऐसी इलाही सुठो पे लगे मानू जो रिस्पॉन्स भी इलाही सुठो आो तो जो भी असान कल्चरली शूं उन्होंने ऐसी इलाही इंटरटेन थन पे। मेरे ख्याल में तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को सिटीजन्स को ब्रेक मिले हर वक्त टेंशन में और रोड ब्लॉक्स में और वॉचिंग योर बैक वाला तो एटीट्यूड बहुत ही कहते हैं डिफीटिंग है तो बहुत अच्छा रिस्पाइट है। बाकी अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे यही मैं कह सकती हूँ। बस यही लोक विरसा मेलो असांखे घुराए पंजाब वारन असो तो असें मुल्क की भी शूं वे इन मुहैया कर जी असि बिरयानी या असि अचार या ही पकौड़ो आ पूरे पंजाब में इतने अड़ी शे न मिली सी भली ती इंज ट्राई वो अस इन के छो जो असि सिंध पाकिस्तान पूरा ही कई उन सब्जी इज्जत आ जी उनमें असो भी शान थे इन के वो इन माना माना जबरदस्त असो इतना कारोबार भी माना मानू भी इंदा हाँ दिलचस्पी मूँ वन असि माना मोल शे के जेरो तो कन था माशाला ये तमाम सुनो फेस्टिवल है जिते अस आया आयो ढी खुशी थी महसूस थे छो तो इतने असे घर को परे आयो तो इन सभी के ऐसी करें घर जो माहौल सिंध जो माहौल महसूस थे पो और सुठो आ ये कल्चरल एक्सचेंज मेला लगता रहन तो सुठो होंद असिने सभी केपी के भी वाया बलोचिस्तान में भी वाया ओडो कश्मीर बल्तिस्तान आ सभी वाया तो सुठो आ कल्चरल एक्सचेंज होजन घुर्जे और असा अची कर मजो था वो सकाफत के हवा से तमाम एक माना सुनो इवेंट आ सब प्रोविंस जहाँ मूँ आन तकरीबन अचन था बोलते असा सिंध में खास करके सिंध वैली में असि सिंधी खाण पीण ला सिंधी जी शून मिस पे क्यों असा इतने खाने ला मिली तमाम सुनी खुशी की गाल सिक्योरिटी के हवा से सिक्योरिटी तमाम जबरदस्त आ तमाम बेहतरीन आ असा लोक विरसा वाले तरफा गवर्नमेंट असि की घुराई हर साल या अस अस्सी का वी इत अचों था हिंसर जो 2017 ही मेलो 17 जो पे मेलो अस क्यों पाया तमाम जबरदस्त सिंधी बिरयानी के नाले से मशहूर आ सिंधी सब्जियों सिंधी सिंध जो सिंधी रवायती जो खाधा उ खी अस इत अची बैरन की खिदमत क्यों था
तमाम बेहतरीन सिंधी चाय उन्हीं के भरसा असो फलूदे स्टॉल लगल आ असो वो हों मेयर अली सामू तस्वीर लगी पई आज असो साल भेणियो हो मुझा भाणेजा हैं ये असा सब गड्डा आयो इंशाल्लाह इतने जबरदस्त कम हल् फर्स्ट क्लास इतों वाले मानून के इन शी चाह हूँ जेतरे तई इंतजार हों मून के अज सिंधी बिरयानी अचे असं सिंधी बिरयानी खाऊँ इतने पूरे मेले के अंदर केतरा स्टॉल लगल बिरयानी जहाँ वो भी अस इतने भीड़ भी होंगी रश भी होंगी है मूँ बायदगी से वेही इंतजार कर बिरयानी खाई असा तो सिंधी मूँ तो एडा मोहब्बती आयो तो अस जिथे भी वह सिंधियों जहाँ रुगो मेला ही मचंदा रहा है असाजे सिंध पवेलियन गवर्नमेंट कल्चर डिपार्टमेंट सिंध जो असि वे आई है चैनी सूबे जहाँ मूँ तुम भले रिसर्च कर दिसो जी मेल भी असो राग शुरू थिए तो असा सिंधी पैंजा कलाम जी मेल शुरू था क्यों तो इतने जहाँ बेन जहाँ जो पवेलियन वा वो भी वजायण वा गायण वा वो भी असि बुधंदा ऐसा लुत्फानंदोजा मजा वा असा सिंधी जी मेल हो जमालो शुरू था क्यों असि सिंधी सकाफत है उन में तो मानू सफा मस्त थो वन किन के धमालू हणे 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 माना सफा ही गश थो वन के लुत्फानंदोज थींदा मजा वा असा सिंधी सहरा पुराना गीत एडा मशहूर एडा भला जो मानू उन में ढो मजो वा अस हर साल जडे भी इंदा आयो तो हर साल यो डो वो सिंध हर साल पे नंबर से इंदी आ रश के हवाले से सिंगिंग के हवाले से असाजा इतने स्टॉल तसो हुनरमंद या बया जेके भी चैन ही सूबे का असा वो हुनरमंद तमाम घणो अस हर शे पेवर निज बाजारी ते का भी शे ना है जो असि सकावत वो इतने मिले थी बाकायदे सालाना इंतजार हों इन मेले जो तो इश्क हों इन मेले से असो वनू इन मेले में पंजो फन दिखारूँ वो फन दिखारी तो चार ही सूबन जहाँ पंजन सूबन जहाँ जो फनकार मूँ आन तमाम मुतासर थे असा तो सिंध पब्लिक वन की माना तमाम एक गाल बी होंगी है छो तो सिंध एक शे है सिंध अमड़ वह शे है जो मन गुलकार हो काशी या कम वो हो अजरक वो हो टोपी वो होड़ी सूँ है असि सिंध सिंध अस अल्लाह तला वही इन शे की निवृत निहाद कई है असें शे की फनकार लेवल से इंस्ट्रूमेंट जो मुझे जो इंस्ट्रूमेंट है वो नगारो है जो लाल साई कलंदर शहबाद किबरिया से वजन है उन्हें फॉलो क्या कोशिश कह तो उन ड्यूटी से पाबंद थी आई वह ड्यूटी कर दिखाई तो मालिक राजी थे असा बलोचिस्तान के हवाले से तो मैं यही कहूँगी कि लोग बहुत ज़्यादा इसको इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो बलोच कल्चर है उसका जो काम है बहुत यूनिक है और बहुत मेहनती है लोग हैं और बहुत हार्ड वर्किंग स्पेशली खवातीन को ज़्यादा प्रमोट करें क्योंकि खवातीन जो है वो बिल्कुल मार्केटिंग नहीं कर सकती लिंक नहीं कर सकती तो हम उनको लिंक करवा रहे हैं और हम जब दूसरे इलाकों का कंपेयर करते हैं एज़ टू बलोचिस्तान से तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम भी हमारी कम्युनिटी भी आ रही है इधर पार्टिसिपेट कर रही है दूसरे इलाकों के लोगों के साथ हम भी ज़रा बलोचिस्तान वाले भी साथ आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा लगा खुशी हुई। हाँ जी मुझे ये बहुत पसंद आई है मैं इधर बस ये सब कुछ देखने के लिए तो आई हूँ बहुत इंजॉय कर रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत प्यारा लग रहा है सब कुछ बहुत अच्छा है और मेरा ख्याल है कि सबको आना चाहिए यहाँ पे सब इंजॉय करें हर किस्म के माहौल को देखें और यहाँ पे जो चार सूबे हैं इनकी चीज़ों को देखें और पहने इंजॉय करें सब अच्छा है यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैं गुजर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा ना तो मैं तो चाह रही हूँ हर किसी को आना चाहिए यहाँ पे फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है और वैसे ही घरों में बैठ के सब बोर होते रहते हैं तो आए देखें पाकिस्तान का कितना अच्छा कल्चर दिखा रहे हैं यहाँ पे ना तो हर जगह का मतलब हर एरिया का यहाँ पे कल्चर है तो आए देखें अपने बच्चों को दिखाएं आजकल तो मौका ही नहीं मिलता कि हर सुबह में जाके आप चीज़ें देखें हम क्या पहनते हैं हम क्या खाते हैं मुख्तलिफ खाने हैं यहाँ पे तो मैं इसलिए आई हूँ हम भी सारी फैमिली के साथ आए हैं तो इंजॉय कर रही हूँ तो मैं सबसे कहूँगी कि आप भी सब आए बहुत इंजॉय करें पाकिस्तान जिंदाबाद उन बावजूद कोशिशन के बाद ही जो पूरे पाकिस्तान का मानू आया खास कर सिंध का इतने आया आयो कल्चर डिपार्टमेंट के तरफा अस पूरी सिंध जहाँ इतने हुनरमंद सिंध जहाँ आर्टिस्ट जेन्युइन जो आर्टिजन वो वी आया आयो अस इतने मानून के खुशी दिन इतने को भी टूरिज्म ना है इतने जो अमन जो है कम इन साल लोकवरसार सुठी कोशिश कई है सिक्योरिटी रखी है अल्लाह रहम कर खैर करे बाकी अगुण का हिंसर सिक्योरिटी अचो हिंसर तक खबर है थ्रेड तमाम घना हर वक्त यो थे तो बस अल्लाह ही उन खैर कर सके तो सबन के खबर पे थी तो वो सिंध में ही अचन था सिंध में वेल ऑर्गेनाइज थे सैयद सरदार अली शाह साहब जो है उनकी कोशिशन से साई गुलाम अकबर लगारी साहब के
तो वो ढी कोशिश से ये अस पूरा सजाया तुम दिखो हों तो इतने बेहतरीन तरीके से वेल ऑर्गेनाइज थल है हर मू अस जेनिन वी आया जो पो फन मुजाहरों करे तो मूँ ऐसी ढो खुश अस चवन था तो सिंधवार एडो कम किया शायद बेन के न किया। मेले के टी रात म्यूजिकल नाइट पिण कोठाई वही जैमें मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आयल फनकार फन जो मुजाहरों कर शरीक थन्दड़न के महजूज किया जैसे त मेले में सेनेट चेयरमैन रजा रब्बानी पिण शिरकत कई उन मौके उन मेलो कोठाइण इंतजामिया की साराह पिण कई।